नमस्कार किसान भाइयों, पेशीवाई खेती समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कृतिक और आइए शुरुआत करते हैं आज के कुछ हेडलाइंस के साथ। किसानों के सहयोग से बीज निगम करेगा तिलहन की खेती, बढ़ेगी आय। बांस की खेती पर मिलेगा 10 करोड़ से अधिक का अनुदान। बैटरी चलित स्प्रे पंप पर मिल रहा 50% तक अनुदान। दूध उत्पादकों के लिए खुशखबरी, प्रति लीटर मिलेगा 1 रुपए तक अनुदान। तार फेंसिंग के लिए मिल रही 50% तक सब्सिडी। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुरैना और चंबल क्षेत्र में तिलहन की खेती की जाएगी। इससे खाद्य तेल की कीमतें कम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम ने 7,000 हेक्टेयर जमीन मांगी है। जमीन पर निगम किसानों के सहयोग से हाइब्रिड बीज की खेती की जाएगी। चंबल के बीहड़ों में खेती की जाएगी। इसके लिए टापुओं को इस्तेमाल में लाया जाएगा। वैज्ञानिकों की निगरानी में खेती होगी। इससे होने वाली आय का एक हिस्सा किसानों को भी मिल सकेगा। बांस की खेती करने वाले किसानों को मध्य प्रदेश सरकार इस वर्ष करीब 10 करोड़ 7 लाख का अनुदान देगी। प्रदेश के करीब 3,000 किसान 4,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में बांस की खेती कर पाएंगे। किसानों को बांस के एक पौधे पर 3 वर्ष में 120 रुपए अनुदान मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए आप राज्य बांस मिशन की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश के अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% सब्सिडी दे रहे हैं। अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान 30 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। लाभार्थी किसी भी जीएसटी धारक विक्रेता से पंप खरीद सकते हैं। किसानों को अधिकतम 2,500 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। योजना से जुड़े अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के में स्थित कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। झारखंड सरकार ने दूध उत्पादकों को दूध पर प्रति लीटर 1 रुपए का अनुदान यानी कि प्रति लीटर 1 रुपए ज्यादा देने की घोषणा की है। ये लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो प्रदेश के किसी भी दूध उत्पादक फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, झारखंड मिल्क फेडरेशन को मेधा ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है। इससे 18 जिले के करीब 40,000 किसान जुड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार खेत की तार फेंसिंग के लिए 50% सब्सिडी दे रही है। छोटे और सीमांत किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। अधिकतम 400 मीटर तार फेंसिंग के लिए मदद मिलेगी। किसान अधिकतम 40,000 रुपए तक अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरकर सभी दस्तावेजों को अटैच करने के बाद नजदीकी कृषि विभाग में जमा करना होगा। किसान भाइयों, कृषिफाई खेती समाचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।